Good morning students, this is your lesson number 9, reproduction in animals, summary points. Now this is remember points. Reproduction is essential for continuation of species. Reproduction जो है मतलब species को बचाने के लिए हमें reproduction करना बहुत ही important है. So mode of reproduction, reproduction के modes कौन कौन से है? That is sexual reproduction and asexual reproduction. हमारे पास दो modes है. First one is sexual reproduction and second one is asexual reproduction. अब मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर यूज्ड इन फ्यूज्ड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. मेल और फीमेल गैमेटीज जो है वो फ्यूज्ड होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. नाउ जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ न्यू इंडिविजुअल. जाइगोट जो है वो सबसे पहला सेल है जो कि इंडिविजुअल है. इन ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर. ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो होता है. मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन ह्यूमन, अ पेयर ऑफ टेस्टिस, अ पेयर ऑफ स्पर्म डक्ट एंड पेनिस. मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कौन कौन से ऑर्गन्स है? दैट इज पेयर ऑफ टेस्टिस, अ पेयर ऑफ स्पर्म डक्ट और पेनिस. स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन टेस्टिस इन मेल्स. स्पर्म जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है? स्पर्म्स जो है वो किस में प्रोड्यूस होता है? टेस्टिस और टेस्टिस में, मेल्स में. स्पर्म्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड ईच हैज़ अ हेड, मिडल पीस एंड अ टेल. स्पर्म का जो माइक्रोस्कोपिक जो आप व्यू देखेंगे उसका उसका एक हेड है, उसका मिडल पीस बॉडी है और एक टेल है. फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन ह्यूमन. फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है ह्यूमन में, दैट इज़ अ पेयर ऑफ ओवरी. पेयर ऑफ ओवरी है, अ पेयर ऑफ ओविडक्ट एंड यूट्रस. यूट्रस है उसमें और ओविडक्ट है. सेकेंड, सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ इन फीमेल. फीमेल के हर मंथ में, फीमेल में हर मंथ में ओवरीज जो है वो एग रिलीज करती है, एक सिंगल मैच्योर्ड एग रिलीज करती है. नाउ बोथ स्पर्म एंड ओवम आर माइक्रोस्कोपिक. और स्पर्म और ओवम जो है वो माइक्रोस्कोपिक हैं. फ्यूजन ऑफ द एग सेल एंड द स्पर्म फॉर्म जाइगोट बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. जब फ्यूजन होता है दोनों का, एग सेल का और स्पर्म का, और उससे क्या बनता है? जाइगोट. वो जाइगोट कौन सी प्रोसेस में बनता है? दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. जब फर्टिलाइजेशन होता है तब जाइगोट बनता है. नाउ टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन. अब फर्टिलाइजेशन के टाइप्स, इंटरनल फर्टिलाइजेशन. जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द फीमेल बॉडी. जाइगोट किस में बनता है? फीमेल बॉडी में बनता है. और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में, जाइगोट इज फॉर्म्ड आउटसाइड द फीमेल बॉडी इन वाटर. मतलब जब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जब इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है तब फीमेल के इनसाइड बॉडी में बनता है. और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में फीमेल जाइगोट का बनता है जब फीमेल की आउटसाइड बॉडी में होता है, वाटर में. नाउ विविपैरस. विविपैरस एनिमल गिव बर्थ टू यंग वंस एज कंप्लीट फोइटस डेवलपमेंट अकरिंग इन द फीमेल बॉडी. जब विविपैरस कब किसे बोलते हैं? जब एनिमल्स जो है वो अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं और एक कंप्लीट फोइटस पूरा डेवलप करते हैं उनकी बॉडी में, जो कि फीमेल बॉडी में होता है. ना ओवीपैरस. ओवीपैरस जो है एनिमल्स ले एग्स आफ्टर द एम्ब्रियो डेवलप्स एंड एग हैचेस. ओवीपैरस में एनिमल्स जो है वो एग्स देते हैं. जब एम्ब्रियो पूरा कंप्लीटली डेवलप्ड हो जाता है तो एग जो है वो हैच होता है. मतलब एग धीरे धीरे क्रैक होने लगता है और उसमें से बेबी बाहर आता है. इन सम एनिमल्स द यंग वंस मे लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट. एनिमल्स जो है उनके यंग वंस जो है वो एडल्ट से डिफरेंट लगते हैं. द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इन टू एन एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फिस. जो चेंजेस होते हैं एनिमल्स में, उनके यंग वंस में, जो ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है लार्वा का, यंग वंस से एडल्ट के थ्रू टू यंग वंस में जाता है, तो उसमें ड्रास्टिक चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड मेटामॉर्फिस. और उसे हम क्या कहते हैं? मेटामॉर्फिस. ना IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. नाउ व्हाट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन? दिस टेक्निक इज ब्लेसिंग्स फॉर दोज कपल सफरिंग फ्रॉम इनफर्टिलिटी. जिन ऐसे कपल्स जो कि ह्यूमंस में होता है, जो लोग मतलब इनफर्टिलिटी नहीं कर पाते, फर्टिलिटी प्रोडक्शन नहीं होता उनका, तो उस टेक्निक से, IVF टेक्निक से, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से उन्हें वो लोग रिप्रोडक्शन कर सकते हैं. सिंगल पेरेंट ऑर्गेनिजम्स इज इन्वॉल्व इन असेक्सुअल फर्टिलाइजेशन. सिंगल पेरेंट ऑर्गेनिज्म मतलब एक पेरेंट का ऑर्गेनिज्म उसमें इन्वॉल्व होता है असेक्सुअल फर्टिलाइजेशन में. नाउ बाइनरी फ्यूजन. बाइनरी फ्यूजन इन अमोइबा एंड बडिंग इन हाइड्रा आर टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. बाइनरी फ्यूजन किस में होता है? अमीबा और बडिंग इन हाइड्रा. जब हाइड्रा में वो बडिंग होता है, दैट इज कॉल्ड अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन.
Now, Dolly sheep is a result of successful cloning. Dolly sheep जो है वो एक result है, जैसे कि हम दो different species को cloning करवा के फिर हमने उसे sheep में convert किया है, that is called Dolly sheep. Now, here is your remember points of lesson number 9, reproduction in animals is finished. Now, today I am taking your objectives, I am explaining to you your objectives. Now we have, in next session we have done the objectives, you have done the MCQs. So today I am going to take your true or false. Now state whether the following sentences are true or false. Correct the false statements and rewrite them. Now human being is a viviparous animal that showed internal fertilization. So true. Both ovaries released are matured, one matured egg in woman every month. So false. ओवरीज जो है दोनों में, दोनों जो है वो रिलीज्ड नहीं होती है. एक्वेटिक एनिमल्स लाइक स्टार फिश एंड फिश शो इंटरनल फर्टिलाइजेशन. सो फॉल्स. एक्वेटिक एनिमल्स जैसे कि स्टार फिश और वो जो है वो उनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं होता. जायगोट इज फॉर्म्ड इन फेलोपियन ट्यूब ऑफ अ वुमन. ट्रू. वेवेपोरस एनिमल्स आर दोज विच हैच एग यंग वंस फ्रॉम एग्स. So false. Full form of IVF is in vitro fertilization. False. Cloning of an animal was successfully performed by Ian Wilmot and his colleagues. True. Dolly died due to a certain liver disease. False. Tadpole hatches out from egg can swim only, but adult frog is capable of jumping and swimming. So that is true. Both nucleus and cytoplasm divide during binary fission in amoeba. True. Zygote is the beginning of a new individual for sexually reproduction animals. So that is true. Now